दिस यू आयशा एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज मैं फर्स्ट टाइम हालांकि यहां पे विजिट किया हूं मुंबई में, और मेरा जो है मुंबई का फर्स्ट ब्लॉग है। तो चलते हैं हाजी अली दरगाह पे, यहां का जो कि मुंबई का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है। तो वहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करने वाले, इंटरटेनमेंट करने वाले, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, इंटरटेनमेंट होगा, जो भी होगा सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि ये अपना भाई है यूसुफ राइडर 009, क्योंकि भाई ये भी हैं यूट्यूबर। तो चलते हैं फिलहाल हाजी अली दरगाह पे। तो गाइस, हाजी अली दरगाह यही है, जो कि आपको कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अभी अंदर हम लोग चलते हैं, और कुछ ऐसा ही रोड है यहाँ पे, सीन वगैरह है। और तो हम लोग चलते हैं फिलहाल, ट्रैफिक यहाँ पे कुछ सिग्नल का फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए हानि पहुँच सकता है। तो हाजी अली दरगाह हम लोग आ चुके हैं फाइनली, वहाँ पे आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, हम लोग चलने वाले हैं वहीं पे। गाइस, मैं फाइनली आ गया हूँ यहाँ पे हाजी अली दरगाह, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या मज़ा है, क्या एंजॉय कर रहे हैं यार, समुंदर वाली लहर वही। अभी तो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, जो कि मैं फर्स्ट टाइम मुंबई में आया हूँ। तो देख सकते हैं हाजी अली दरगाह है, तो अभी अंदर चलते हैं, आप लोग को सब कुछ दिखाने वाले हैं। फिलहाल क्या सीन है यार, देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लहर, और इधर यहाँ पर हाजी अली दरगाह आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा। जब भी कभी मैप में देखता हूँ, ये छोटी वाली रास्ता कभी कभी पानी भरा रहता है, क्योंकि ऐसा है अभी पानी कुछ है नहीं। और यहाँ पे ब्रिज वगैरह अंदर से आने के लिए बना दिए हैं, यहाँ पे आप लोग निकलेंगे सीधे जाएंगे हाजी अली दरगाह। तो फिलहाल चलते हैं, हम लोग वहीं पे मिलते हैं। कहा जाता है कि जब हाजी अली हज करने जा रहे थे, यानी मक्का जाने से पहले, अपने ज़िंदगी की सारी कमाई गरीबों में बांट दिए थे, और अपने घर वालों से एक ही ख्वाहिश किए थे कि मेरे इंतकाल यानी मृत्यु होने के बाद मेरे शरीर को दफनाया ना जाए, बल्कि एक ताबूत में रखकर समुद्र में बहा दिया जाए। इसके बाद यह चमत्कार ही है, ताबूत तैरता हुआ मुंबई आ गया। हाजी अली के इस चमत्कारी घटना के बाद सन 1431 ईस्वी में हाजी अली दरगाह मुंबई में बनाया गया, जो कि आज भी मुंबई में स्थित है। भाई, यहाँ आने के बाद जो भी जो मन्नतें अपनी मांगते हैं, यहीं पे आके अपना दुआ वगैरह करते हैं, जो कि सब लोग पब्लिक यही है, क्योंकि माइक का आवाज़ आ रहा होगा, कुछ रहने दे रहा, सब लोग यहीं पर अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं, क्योंकि ऐसा ही है। और यही है पूरा हाजी अली दरगाह, मैं आपको दिखाने वाला हूं। गाइस, जिसको भी समुद्र के लहर का मज़ा लेना हो, एंजॉय करना, नहाना वगैरह हो, तो यहाँ पे आके आसानी से नहा सकता है, जो कि इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा सुविधा है। कहते हैं समुद्र के बीच में दरगाह मौजूद है, फिर भी हाजी अली दरगाह के अंदर समुद्र या पानी की लहरें जाने से कतराती है। और भाई, ऐसे कुछ गरीब लोग रहते हैं, यहाँ आने के बाद आप कुछ भी इनको दे के दुआ आसानी से ले सकते हैं। दादी का दिल है बड़ी, क्यों नहीं दे ले तुझा? चलो दादी, मैं आपको उसमें रख दिया, ठीक है? अच्छा। खुश हो ना? हाँ। हाजी अली कैसा है? हाजी अली कैसा है? अरे हाल हाल है। सात बजे खुलेगा। सात बजे? चलो ठीक है दादी, दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह। तो भाई, फाइनली हम लोग दादी को आजमा रहे थे कि कोई देने वाली है कि नहीं। दादी ने मेरे को 10 रुपया दिया, काफ़ी अच्छा और बहुत ही बड़ा दिल है। फाइनली गाइस, हाजी अली से हम लोग घूम फिर के बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि बाहर निकल रहे हैं तो गेट बंद होने का समय हो गया है, बोला है 5 बजे बंद हो जाएगा, उसके बाद 7 बजे खुलेगा, अंदर रहना पड़ेगा, इसलिए हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से दूसरे लोकेशन पे। वो वाला लोकेशन अगर आपको देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपको वो वाला भी लोकेशन देखने को मिल जाएगा कहाँ जा रहे हैं।
तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे एंड करने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो में मुंबई के लोकेशन पे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।